विदिशा जिले के ग्यारसपुर में हिम्मतपुर में पोतला गांव का यादव परिवार अपने परिवार के 40 सदस्यों के साथ गांव से लगभग 20 किलोमीटर दूर घने जंगलों में स्थित सिद्धि बाबा के चबूतरे पर पूजा के लिए गए थे। पूजा पाठ करने के बाद दोपहर में सब भोजन करके पास ही में बच्चे खेल रहे थे और थोड़ी देर बाद किसी का ध्यान 26 महीने के निर्देश पर गया, लेकिन वह दिख नहीं रहा था। एक दूसरे से पूछा कि किसी के पास तो नहीं है। फिर वहाँ एकदम से हड़कंप मच गया, क्योंकि घने जंगल में कई हिंसक जानवर थे और उबड़ खाबड़ रास्ते में बड़े बड़े गड्ढे, तरह तरह के बुरे ख्याल आने लगे। इसी बीच आसपास के ग्रामीण भी परिवार के साथ निर्देश को ढूंढने में जुट गए। इसी बीच किसी ने ग्यारसपुर पुलिस को खबर कर दी, तो पुलिस भी निर्देश की तलाश में जंगल की खाक छानती रही। रात हो गई लेकिन निर्देश नहीं मिला। इसी बीच कई लोग सोने चले गए और पुलिस भी रात को 2 बजे चली गई। बच्चे के लिए परिजन पूजा पाठ मन्नत सब करते रहे। बच्चे के पिता ने बताया कि सुबह किसी परिजन के पास के किसी जानकार को फोन लगाया तो उन्होंने बताया कि जहां हो वहां से पश्चिम की ओर सीधे चले जाओ, एक पेड़ के नीचे बालक मिल जाएगा। जहां वहां से पश्चिम की ओर सीधे चले गए और यह ग्रामीणों और पुलिस एवं डायल 100 के साथ वहां पहुंचे तो पता चला कि बच्चा वहीं मिल गया। बच्चा अभी ठीक से बोल नहीं पाता, लेकिन बच्चे के पिता का कहना है कि जब हमने निर्देश से पूछा तो उसने बताया कि रात में क्या किया, तो उसने बताया कि रात में उसने गाय का दूध पिया और लड्डू खाया। ग्रामीण और परिजन इसे चमत्कार से कम नहीं मान रहे हैं। क्या हो गया था जंगल में? जंगल में घूम गए थे क्या? क्या खा, कुछ खाया था वहाँ क्या? आप पूछना, आप क्या खाया था तुमने? लड्डू खाए थे? लड्डू खाए थे तुमने? हैं? दूध पी तू भैया को? हैं? फिर चलना जल्दी बता दे, फिर चलना था भैया को दूध पी तो। क्या नाम है आपका? देशराज यादव। कहाँ के रहने वाले हो? पोतला। पोतला ग्यारसपुर जी। तो ये क्या हुआ था, बच्चा उस दिन नहीं मिल रहा था आपका, रात भर गायब रहा, क्या हुआ था उस दिन? उस दिन हम गए थे 9 बजे के करीब मंदिर सिद्ध बाबा के पास में। गांव से कितनी दूर है? गांव से 2 किलोमीटर दूर है। उधर दाल बाटियों का प्रोग्राम भाव। कितने लोग गए थे आप? हम 40-50 आदमी थे। तो हम खाना पीना हो भाव, उसके बाद में इसने खाना खाओ, एक रोटी खाई और जो तीन खेलत रहो, तो उसके बाद में किसी ने ध्यान नहीं दिया, एकदम गायब हो गया। कितने बजे देखा आपने? हमने 2 बजे देखा, तो 2 बजे ढुलाई चालू कर दी। 2 बजे के बाद फिर मिला नहीं है। हम शाम के 6 बजे गए थे और सुबह ढूंढने 300 आदमी थे, 200-300 आदमी थे। जिस समय जंगल छान मारो तो यहाँ से कछु भी अपन डाल दो तो वो मिल जा। तो फिर उसके बाद में सुबह रात रहे बताई, पूरी रात तलाश हो। पुलिस को आपने कब खबर करी? पुलिस आ गई थी अपनी 4 बजे करीब। सो फिर 2 बजे ना रही थी पुलिस भी रात के। उसके बाद में फिर हम घर आ गए, फिर हमारे चाचा वगैरह उन्हें रुके उधर, फिर हम सुबह रहे, हम मंदिर गए, मंदिर से आए 10 बज रहे थे करीब। 10 बजे के बाद मंदिर पे परिक्रमा लगाया तो हमने उनसे बोल के गए थे बजरंगबली से कि बजरंगबली बच्चा मिल जाए, हम तुम्हारे पूरे परिक्रमा ना हो पाए, बच्चा मिल जाए। तो हमने याद परिक्रमा भाव फोन आ गया कि बच्चा मिल गया, एक पेड़ की तरह बैठो मिला होते। तो 4-5 बार फिर गए अपन हीट गए, मगर उधर नहीं तो आवर्ती पेड़ के नीचे पत्थर के ऊपर बैठो, पाँव मटका मिलो। क्या कर रहा था बच्चा जब आपको मिला उस समय? कुछ नहीं, बैठो तो सुट साट अच्छा बिल्कुल। हाँ, उस पेड़ के आसपास से भी आप कई बार निकल गए? हाँ, गेल आई थी ना उधर अपन गाड़ी से। क्या मानते हो आप ये, क्या कैसे मिला बच्चा? ये तो प्रभु की लीला है, सिद्ध बाबा की महिमा है, जो उन्हें गायब करो, अपन ने पूरी जंगल छान मारी। क्या करते दिखा था बच्चा वहाँ पर जब मिला आपको, तो क्या कर रहा था? कुछ नहीं, बैठा था, पाँव मटका रहा था। आपने बच्चे से पूछा रात भर क्या हुआ, कैसा हुआ? हाँ, वो बोल रहा हो तो गैया को दूध पियाओ और लड्डू और पानी। अच्छा, कितनी उम्र है बच्चे की? बच्चे की 2 साल है। 2 साल चल देता है? हाँ, थोड़ा ही चल पाते हैं, ऐसे नहीं है ज़्यादा नहीं। तो जहाँ आपकी कथा हो रही थी, जहाँ उसने खाना खाया, उससे कितनी दूर जाके मिला है वो? उससे 2 किलोमीटर आगे मिला है। 2 किलोमीटर आगे? हाँ। तो इतना चल लेता वो अकेला? नहीं चल पाता वो, तो आप आरती भगवान की लीला है, जो भी भाई हो अपन ने होते अपन जितने मिला होते रात भर होते अभी ढूंढो होते सुबह 10 बजे आप आरती बैठो मिल गया।
अच्छा, क्या नाम है बच्चे का? बच्चे का नरदीश। नरदीश? हाँ। संगीता। संगीता भाई? हाँ। कहाँ की रहने वाली है? पोतला। पोतला? हाँ। ये उस दिन बच्चा आपका खो गया था, क्या घटना हुई थी? उस दिन दाल बाटी बनाने गए थे बाबा के स्थान पे। जी। सो बना लाई, खा लाई सब जनों ने, सब होगा। फिर घर आने लगे, जब बच्चा खिलाजे देखा तो हम जा रहे ऊपर उनके पापा के पास है वो, और बेजान रह के नीचे हैं वो। सो वो तो देखा ऊपर, सो वो तो नीचे, ऊपर मतलब नीचे पठार ढलान है। अच्छा अच्छा। हाँ। पहाड़ी के ऊपर? हाँ, पहाड़ी, पहाड़ी के बीच बाम है। हाँ। फिर क्या हुआ? फिर वो तो देखा, पूछा उसके लिए, नहीं मेरे पास नहीं आए तो ऊपर से आए, उसके लिए नहीं मेरे पास भी नहीं आ, देखा तो रहा नहीं मिला, शाम हो गई। और जब बच्चा नहीं मिला तो आपके ऊपर क्या बीत रही थी, क्या किस तरह से अपन भगवान को मना रहे थे, रो रहे थे, क्या कर रहे थे? रो रहे थे, खूब घबरा रहे थे सब परिवार वाले। क्या लग रहा था आपको कि क्या हुआ होगा? मतलब डर में रहता ना, मन में डर रहता है, तो क्या डर था आपको, क्या हुआ होगा? हाँ, जंगल मतलब के जानवर है वो, कछु है वो, इतना सा बच्चा है वो, जानवर आनवर तो नहीं ले गया। हाँ। ये भी लग रहा होगा। हाँ। भगवान को मनाया होगा खूब मंदिर अंदर? हाँ, मंदिर पे मनाया था, जो मुझे थे माथा पूरा कारा पड़ गया होते मार मार के। जब बच्चा मिला तब क्या कर रहा था? बच्चा बैठा था। बैठा था? हाँ, पाँव हिला रहा था ऐसे। हाँ। कोई इस बीच में मनोती वगैरह मानी अपन ने कि हाँ। बच्चा मिल जाएगा तो? हाँ। क्या किया? सो मतलब अपन ने उन्हों घोड़े मोड़े जो कछून की लग थेगी, कल से रामायण बैठेगी और बहुत जगह। कहाँ पे रामायण बैठा लेंगे? उताई सिद्ध बाबा पे। हाँ। अच्छा। हाँ, और इसी बच्चे की वजह से? हाँ, उताई कथा करवाएंगे सबको। कितने बजे करेंगे? अब मुझे नहीं मालूम। हाँ। घर में और कौन कौन है आपके? सब जने हैं। आपकी सास वगैरह हैं? हाँ, सब। तो वे क्या कर रही थी बच्चा जी, तुम्हें डांट नहीं पड़ी? बेघर पर रहते, डांट तो नहीं पड़ी? नहीं, कोई ने कछु नहीं कही। आए वॉइस ऑफ राइट्स के लिए विदिशा से दीपेश जैन की रिपोर्ट।